अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके चने की दाल की कतली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसमें मैंने एक कप दाल ली है। इसे मैंने 3 से 4 घंटा पहले सोक करने रख दिया है। हाफ कप से थोड़ा कम मैंने घी लिया है और 1 कप ही मैंने शुगर ली है। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें मैंने काजू बादाम और कोकोनट लिया है। और इधर मेरे पास है ये पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स, हम इसका भी यूज़ करेंगे कतली बनाने में। दाल का पानी निकाल कर अब हम आपको पीस के दिखाते हैं। आप इसे दरदरा ही पीसना है। अब कढ़ाई में सबसे पहले घी ऐड करते हैं। ये हमने 1/2 कप घी लिया है, अगर ज़रूरत होगी तो बाद में और भी ऐड करेंगे। अब इसमें दाल ऐड करते हैं। ये हमने थोड़ी मोटी मोटी ही दाल पीसी है। लो फ्लेम पे इसे दाल को हम भूनते हैं अच्छी तरह। शुरू शुरू में ये चिपकेगी, अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं, उसमें ये चिपकेगी नहीं। मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, इसलिए ये थोड़ी थोड़ी चिपक रही है। जैसे जैसे भुनती जाएगी इसका चिपकना बंद होता जाएगा। हमें इसे चलाते हुए ही भूनना है। देखिए अब ये थोड़ी ड्राई होने लगी है, तो इसका चिपकना भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। देखिए हमें 1 मिनट हो चुका है भूनते हुए, अब इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। अभी हमें इसे और भूनना है, जब तक कि ये थोड़ी ब्राउन सी ना हो जाए। इस तरह से चलाते हुए हमें 1/2 मिनट और भूनने के बाद, हमें लगातार इसको भूनते हुए 1.5 मिनट हो चुका है स्लो गैस पे। देखिए अगर हम इसको पलटेंगे तो इसमें ये इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद होना शुरू हो जाए, तो हमारी दाल भुनना शुरू हो गई। ये अच्छी खुशबू देगा, मदद करेगा। और ये दाल को जल्दी भूनेगा। देखिए 1 मिनट तक दही घी डालकर हमने 1 मिनट तक और भुना है। अब ये थोड़ा बरबरा सा दानेदार होना स्टार्ट हो चुका है, छोड़ना स्टार्ट कर देगा। देखिए 1 मिनट और भूनने के बाद इसका दाना बारीक होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि हमें इसमें 1 मिनट और लगेगा। हमें पूरी दाल के प्रोसेस भूनने के प्रोसेस में हमें 5 मिनट का टाइम लगा है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अब ये दाल हमारी होने ही वाली है, इसमें थोड़े से हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं, जिससे कि वो भी थोड़ा रोस्ट हो जाए। जिस 1/2 कप से हमने घी लिया था उसी कप से नाप के हम 2 बार इसमें पानी ऐड करते हैं। 2। अब इसे मिक्स करते हैं और इसी टाइम इसमें शुगर ऐड कर देते हैं। इसे मिक्स करते हैं। अगर आप तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो इस टाइम यहाँ पर आप शुगर चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। इसी टाइम हम इसमें ये पिसे हुए ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देते हैं। इसमें ताल मखाने हैं, मगज़ हैं, काजू हैं, बादाम हैं। ये कतली में जाके बहुत अच्छा टेस्ट देंगे आपको। अगर नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 1/2 स्पून घी और ऐड करें, यह अच्छी खुशबू देगा आपके हलवे। इस टाइम हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करते हैं, जिससे इसका कलर अच्छा आ सके। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है, जब तक कि साइडों में से ऑयल निकलना स्टार्ट नहीं हो जाता। टाइम 1/2 कप मावा ऐड किया है।
मावे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है हलवे में। और इसके चंक्स भी मुंह में आते हुए अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने इसको लास्ट में ऐड किया है। आप चाहें तो मावा शुरू में भी ऐड कर सकते हैं। एक टिश्यू पेपर से थोड़ा सा घी डालकर हम एक ट्रे को ग्रीस कर पहले ही रख लेते हैं ताकि हम इसमें कतली जमा सकें। हमें इसे भूनने में 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब देखिए इसका तेल फिर निकलना शुरू हो गया है और हम इस तरह से पलटते हैं तो ये फिर से सफ़ेद सफ़ेद होना स्टार्ट हो गया है। देख अब इसे आधा मिनट और भूनते हैं। आपको पता कैसे लगेगा कि ये हलवा हमारा तैयार है? जब आपको चलाने में परेशानी होने लगे, ये थोड़ा थिक होने लगे, तो आप समझ जाइए कि हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है और तेल भी सेपरेट होने लगे। देखिए फिर से दाना बनना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे मिक्स करते रहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी हीट है अभी। और कितना अच्छा कलर आया है ना हमारे हलवे का। इसे हम एक इस थाली में निकाल लेते हैं जिसको हमने ग्रीस करा था। हमने इसको थाली पे निकाल लिया है और इसको ऐसे फैलाते हैं ट्रे पे निकालकर। हमें ये प्रोसेस गरम गरम में ही करना है ताकि हलवा हमारा इक्वल फैल सके चारों तरफ को आराम से फैल जाए। ये ड्राई फ्रूट्स बचाए थे वो इस पे ऊपर से लगा देते हैं और ये 2-3 रंग का कोकोनट है हमारा। अगर आपके पास ना हो तो आप सिर्फ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अब इसको इस तरह से इसको प्रेस करते हैं ताकि ये सारे ड्राई फ्रूट इस पर चिपक जाए। ये हमारे पास चांदी का वर्क है, इसको लगा देते हैं। ये हमारा हलवा बन चुका है। अब इसके पीसेस काटते हैं। देखिए कितने अच्छे पीस बने हैं ना इसके, और बिल्कुल बन जम चुका है ये, इतना सॉफ्ट। इसमें जो हमने मावा मिलाया है उससे ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।